इंडो कनाडियन रैपर, सिंगर और पंजाबी म्यूजिक की दुनिया में फेमस रिकॉर्ड प्रोड्यूसर एपी ढिल्लों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कनाडा के वैंकूवर में उनके घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये हमलावर कौन थे। मीडिया रिपोर्ट्स में पहले बताया जा रहा था कि इस हमले के पीछे गोल्डी बराड गैंग का हाथ है, लेकिन अब एक मैसेज शेयर करते हुए लॉरेंस विश्नोई और रोहित गोदारानी गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस मैसेज में सुपरस्टार सलमान खान का भी जिक्र है। एपी ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कनाडा में सुरक्षा एजेंसियां इस हमले की जांच में जुट गई हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एपी ढिल्लों के घर के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस विश्नोई और रोहित गोदारा गैंग ने ली है। हमलावर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। ये पता नहीं चल पाया है कि एपी ढिल्लों हमले के वक्त घर में थे या फिर नहीं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। हमले की जिम्मेदारी वाले इस कथित मैसेज पोस्ट में लिखा है कि राम राम जी सारे भाइयों को। 1 सितंबर की रात कनाडा में 2 जगह पर फायरिंग हुई है, विक्टोरिया आईलैंड और वुडब्रिज टोरेंटो, दोनों की जिम्मेदारी मैं रोहित गोदारा लेता हूँ। विक्टोरिया आइलैंड वाला घर एपी ढिल्लों का है, ये बड़ी फीलिंग हो रही है। सलमान खान को गाने में लेके तेरे घर पर आए थे, फिर या तो आता बाहर तो दिखाता अपने एक्शन करके। जिस अंडरवर्ल्ड लाइफ की तुम लोग कॉपी करते हो, हम एक्चुअल में जी रहे हैं वो लाइफ। अपनी औकात में रहें, नहीं तो कुत्ते की मौत मरोगे। लॉरेंस विश्नोई और रोहित गोदारा गैंग की ओर से हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक पोस्ट किया गया है, जिसमें सलमान खान का भी जिक्र है कि उनसे नज़दीकियों के कारण ही गोलाबारी की गई है। बता दें कि बीते महीने ही एपी ढिल्लों ने सलमान खान और संजय दत्त के साथ गाना ओल्ड मनी रिलीज़ किया था। एपी ढिल्लों का पूरा नाम अमृतपाल सिंह ढिल्लों है। वो मौजूदा वक्त में पंजाबी गानों में सबसे नामचीन सिंगर हैं। एपी ढिल्लों के फैंस में जानवी कपूर, अनन्या पांडे से लेकर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे हैं। इंडो कैनेडियन रैपर और सिंगर एपी ढिल्लों के अब तक 5 सोलो सॉन्ग्स यूके एशियन और पंजाबी चार्ट में टॉप पर रहे हैं, जबकि मझेल और ब्राउन मुंडे को बिलबोर्ड चार्ट में टॉप पर जगह मिली। सितंबर 2020 में ब्राउन मुंडे ने एपी ढिल्लों को ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी दी। गुरिंदर गिल और जमी नर्क्स के साथ रिलीज इस गाने के वीडियो में नव सिद्धू मूसेवाला, मनी मूसिक, अनमोल दलवानी और स्टील बैंगलेज भी नजर आए। ये गाना कनाडा में एप्पल म्यूजिक चार्ट में शामिल किया गया। यूके एशियन चार्ट में इसने नंबर 1 पर सीधी एंट्री ली।